तो स्टूडेंट आज के वीडियो सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग टॉप 20 कॉलेजेस कटअप डिस्कस करने वाले हैं अंडर कॉमेट के 22। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करेंगे। तो देखिए कॉमेट के में टोटल 3 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। एक और राउंड होता है एक्सक्लूसिव राउंड, उसको लोग राउंड नंबर 4 बोलते हैं। लेकिन राउंड नंबर 3 का जो एक्सपेक्टेड कटअप है, जो क्लोजिंग रैंक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं ब्रांच वाइज कटअप डिस्कस करने वाला हूं। कॉमेट के में जितने भी कॉलेजेस हैं टॉप 20 में आते हैं, उनका हर एक ब्रांच का बोथ नॉन कोर एंड कोर दोनों का ही मैं कटअप डिस्कस करूंगा। नॉन कोर में मेनली हम लोग का 3 ब्रांच आता है, एक आता है सीएससी आता है, एक आता है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आईएससी, एंड एक आता है ईसीई आता है। अब लाइक लास्ट ईयर कई सारे न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस हुए थे सीएससी स्पेशलाइजेशन, जो सीएससी स्पेशलाइजेशन था वो पहले नहीं था, यानी कि 2021 में ये फर्स्ट टाइम कॉमेट के जो कॉलेज वहाँ पर लॉन्च हुआ था, ठीक, इससे पहले नहीं था। लाइक सीएससी स्पेशलाइजेशन के तौर पर आप बोल सकते हो एआई एनएमएल हो गया, ठीक है, आपका डेटा साइंस हो गया एंड बिजनेस सिस्टम हो गया। तो ये लगभग सभी कॉलेजेस में आपको ये जो 3 ब्रांच है स्पेशलाइजेशन ब्रांच, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बाकी जो कोर ब्रांच है, आपका सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ट्रिपल ई हो गया, ठीक है, ये सारे ब्रांच में काफ़ी डिटेल में कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाला है फॉर राउंड नंबर 3 क्लोजिंग रैंक। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो बता दूं, हम लोग का ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपका जो भी कुछ डाउट्स है, कुछ डिस्कशन करना है, ठीक है, रिगार्डिंग योर रैंक, आपका जो भी रैंक है कॉमेट के में, एंड लाइक कुछ डाउट्स एंड डिस्कशन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। एंड एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ भी अपडेट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं शेयर करता हूँ, तो चाहो आप बच्चे तो ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो आपका कॉमेट के में जो भी रैंक है, वेदर 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, तो जो भी रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपका रैंक लाइक अच्छा होता है, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स की वजह से आपको कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छा ब्रांच एलोट नहीं हो पाता है। यह हो सकता है आपका रैंक काफ़ी पुअर है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा। लाइक कई बार क्या होता है कि बच्चे का रैंक खराब होता है, लेकिन कुछ और ब्रांच ले बैठते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। देखिए आपको इसी कॉलेज में, आप जो कॉलेज ले रहे हो उसमें 4 ईयर स्पेंड करना होगा, तो 4 ईयर आपका जो डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। तो लाइक बच्चे का जो भी कुछ डाउट्स है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो हम लोग ऑलरेडी एक कॉमेट के का कंप्लीट सपोर्ट है, जहाँ पर बच्चों को कंप्लीट गाइड प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बच्चे चाहो तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, सभी कुछ डाउट्स एंड डिस्कशन करते हैं जूम मीटिंग के द्वारा एंड फोन कॉल के द्वारा। तो इन सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन जाइए, इस वीडियो का सबका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिस में पहला जो कॉलेज है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो देख सकते हो यहाँ पर जो भी ब्रांचेस मौजूद है बोथ कोर एंड नॉन कोर, उनका एक्सपेक्टेड कटअप में मेंशन कर रखा हो फॉर राउंड नंबर 3। तो आप देख सकते हो आपका जो भी रैंक है, तो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। अब देखो ये चेंज हो सकता है, फिर भी आप मान के चले कि जो चेंजेस जो जल्दी जो दिखते हैं, ठीक है, तो नॉन कोर का बात करें लाइक जो सीएससी हो गया, आईटी हो गया एंड ईसी हो गया। यहाँ पर आईटी का मतलब मैं आईएससी को बोल रहा हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, तो ये आईटी बोलो या आईसी बोलो दोनों बात एक ही है, ओके। लेकिन कॉमेट के कॉलेज में आपको आईसी ही मिलेगा, तो इसमें लाइक प्लस 150 एंड माइनस 150 आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आप एक्सपेक्टेड है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो कोर ब्रांचेस है देख सकते हैं, जो एयरोस्पेस हो गया आपका, ठीक है, आपका बायोटेक हो गया, आपका केमिकल हो गया, सिविल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, ओके, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारे कोर ब्रांच है। बाकी ईसीई में इंटरेस्ट है तो आप ईटी को भी चूज़ कर सकते हो। तो कई सारे बच्चे लाइक उनको सीएससी आईटी में इंटरेस्ट होता है, तो लाइक इस कॉलेज को पाने के लिए वो ईटी भी चूज़ कर लेते हैं, ट्रिपल ई भी चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको मैकेनिकल या बायोटेक चूज़ करना चाहिए, अगर देखो अगर सच में मान लीजिए कॉलेज ही डिपेंड करता है तभी चूज़ करना। लिस्ट में सेकंड नंबर जो कॉलेज वो एमएसआरआईटी, तो देख सकते हो यहाँ पर जो भी ब्रांचेस मौजूद है ब्रांच वाइज कटअप मेंशन में कर रखा हूँ फॉर राउंड नंबर 3 क्लोजिंग रैंक, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं बता दूँ, कॉमेट के अंडर में से कई सारे कॉलेजेस जिनका नेम सिमिलर है, ठीक है, लाइक आरवी का भी आपको एक और आरवी मिलेगा, ठीक है, आपको रमैया भी एक और रमैया मिलेगा, तो इतने सारे सिमिलर नेम है, तो बच्चे लाइक गलती कर बैठते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग काफ़ी ध्यान से करना चाहिए, तो इसकी वजह से मैं क्या किया हूँ, जो भी कॉलेज है इसका मैं कोड नंबर लिख रखा हूँ, तो देख सकते हो ये E077 जो है ना, ये कोड है, ताकि आप जब बच्चे चॉइस फिलिंग जब कर रहे होगे तो कन्फ्यूजन में नहीं होगी। ऐसे सपोज आपका एक रमैया है, एक और रमैया देख ली, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये कोड जो है ये नोट कर लीजिए। एंड ये जो पीपीटी है इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जाइए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो जो आरवी का जो कोड है वो E095 है, उसी तरह एमएसआरआईटी का जो कोड नंबर है वो E077 है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक जो सीएससी स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो आप देख सकते हो एआई एंड डेटा साइंस, आपका एआई एंड मशीन लर्निंग, तो लाइक अगर आपका रैंक 2.5 के अंदर में है तो आपको मिल सकता है सीएससी स्पेशलाइजेशन, ओके। बात करें खैर अगर कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तभी लेना, अदरवाइज कोर ब्रांच अगर ले भी रहे हो तो आपको अल्टीमेटली हाइस्ट पैकेज लेना है, तो आईटी सेक्टर के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। लाइक कई सारे बच्चे क्या करते हैं,
कोर ब्रांच यानी सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो ले बैठते हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो आईटी सेक्टर में जाने के लिए करते हैं, क्योंकि कोर ब्रांच लेते हो ना तो अल्टीमेटली आपको जो हाइस्ट पैकेज है वो नहीं लगने वाला है, चांसेस काफ़ी कम है कि आपको 10+ लगे। तो अगर कोर लेके पढ़ाई करते हो तो आपको साइड बाई साइड प्रिपरेशन करना होता है फॉर CSE IT ऑल्सो, सो डैट जब इंटरव्यू होगा, जब कंपनी आएगा तो आप एलिजिबल हो पाओगे, मतलब उसको क्वालिफाई करने जो भी उनका जो राउंड होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर हो सके तो आप ट्रिपल ई तक ही जाइएगा। ठीक है, ट्रिपल यानी कि CSE हो गया, IT हो गया यानी कि ISC, उसके बाद स्पेशलाइजेशन हो गया, उसके बाद ट्रिपल ई हो गया, बाकी ETE जो हो गया एंड जो बाकी जो ब्रांचेस उसकी स्किप कर सकते हो। बाकी अगर सच में मतलब आप मेहनत कर सकते हो कि हाँ मैं इस कॉलेज में ये ब्रांच लेकर मैं मेहनत कर सकता हूँ, तभी लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं जरा शॉर्ट में बता दूँ, पहला तो CSE हो गया, ठीक है, देन CSE स्पेशलाइजेशन, ओके, देन ISC, ओके, एंड देन आप ECE, एंड इसके बाद के जो ब्रांचेस है आप चाहो तो मतलब उसको स्किप कर सकते तो बढ़िया है। ठीक है, लाइक ट्रिपल ई हो गया, आपका ET हो गया, ओके, एंड जो बाकी जो कोर ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो अल्टीमेटली अगर ये जो ब्रांचेस लेते हो तो अल्टीमेटली आपको जो स्टडी जो है अगर हाइस्ट पैकेज लेना है तो आपको उनका जो पढ़ाई वो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप सिर्फ ट्रिपल ई एंड ET लेकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उनका ही बस फील्ड का पढ़ाई करते जा रहे हो, तो आपको चांसेस काफ़ी कमी है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो हाइस्ट पैकेज प्रोवाइड करती है वहाँ पर मतलब मिलने का, क्योंकि वहाँ पर कंपनी काफ़ी कम आती है जो इस फील्ड के जो बच्चों के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो लाइक जो भी स्पेशल ब्रांच है देख सकते हैं कट ऑफ क्या है, एक CSE AI 1.4K, ठीक है, CSE साइबर सिक्योरिटी 1.8K, एंड लाइक जो CSE है ओके ये 1K। तो लाइक अगर पर रैंक देखा जाए तो 2.5 के अंडर आता है तो आपको ऑब्वियसली जो CSE IT है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ISC है ये 1.5 के में क्लोज होता है, तो लाइक काफ़ी सारे बच्चे ISC को प्रेफर करते हैं ओवर CSE स्पेशलाइजेशन, लेकिन आपको CSE स्पेशल में सच में इंटरेस्टेड है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। और सपोज आपको CSE IT नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको कोडिंग में इंटरेस्टेड है, आपको IT सेक्टर में जाना है, तो आप ये ब्रांच को ले सकते हो। ठीक है, कभी काफ़ी सारे बच्चे लाइक इसको स्किप भी करते हैं एंड लेते भी है, तो देख सकते हो जो ट्रिपल ई जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो लाइक आपको टॉप के जो 3 कॉलेज है उसमें ही रहना है। सपोज आपका रैंक 6000 या 7000 है, ठीक है, एंड आपका जो मन है मैं टॉप 3 में ही रहना पसंद करूँगा, तो आप ट्रिपल ई लेकर के भी आप कोडिंग के फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि फैकल्टी जो है ना, मतलब जो टॉप 3 के जो कॉलेज है वो फैकल्टी जो है आप काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, जो थर्ड जो कॉलेज है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एवरेज पैकेज देख सकते हो 8.5 लाख पर एनम। अब एक डाउट हो सकता है कि इसका एवरेज पैकेज 8.5 है एंड इसका 7.5 है, तो इसको मैं पहले क्यों रखा था? देखो ओवरऑल का बात करें, फैकल्टी हो गया, ठीक है, कैंपसिंग हो गया, नंबर ऑफ प्लेसमेंट हो गया, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, ओके, तो सारे को देख करके MSAT इज द बेस्ट, मतलब नंबर ऑफ प्लेसमेंट, मतलब बच्चे मैक्सिमम कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, साथ ही साथ फैकल्टी कैसा है, कोर्स का करिकुलम कैसा है, तो ये दोनों को देखते हुए जो ओवरऑल जो मतलब कंक्लूजन है वो MSAT बेस्ट है, बाकी एवरेज पैकेज मामले में BMS इज़ गुड। तो BMS में अगर आपको CSE चाहिए तो 700 इज द क्लोजिंग रैंक फॉर राउंड नंबर 3 में बता रहा हूँ। ECE आप ले सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, तो 3K में आपको ECE मिल जाएगा, बाकी ET में इंटरेस्टेड है लाइक 6.5K मिल जाएगा, तो पहले आप ट्राई कीजिएगा जो ECE है। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए ECE लेने का, अगर ECE भी नहीं मिल रहा है देन आप ट्राई कीजिए ट्रिपल ई है, ओके, यहाँ पर ट्रिपल ई नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो ECE के बाद आपका ETE एंड EIE है। ठीक है, तो ईए ट्रिपल ई लीजिएगा, देन आप ET ले सकते हो, एंड देन आप अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ले सकते हो। तो कई सारे जगह पर ये AIEI लिखा रहता है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये ऑर्डरिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी जो टॉप के जो 7 जो कॉलेजेस है मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पर CSE स्पेशल अच्छे पढ़ाए जाते हैं, जो फैकल्टी अच्छे है, तो आप ऐसा कर सकते हो जो CSE है तो CSE के बाद CSE स्पेशलाइजेशन देन आप IT ले सकते हो एंड देन आप ये ऑर्डरिंग कर सकते हो। तो ये मेरा खुद का जो पर्सनल ओपिनियन ये है, बाकी जो 7 के बाद के जो कॉलेजेस है वहाँ पर ऑर्डरिंग आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप इसका जो PDF है PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो लिस्ट में जो 4th नंबर जो कॉलेज है वो आता है हम लोग का JSS, ओके, JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूर में, जो हम लोग का E061 एक और JSS आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, आपको E061 जो है वो 4th नंबर पोजीशन पर है। अब लाइक कैसे स्टूडेंट बोल सकते हैं मैं BIT बैंगलोर को प्रेफर करूंगा, तो देखिए BIT बैंगलोर का जो ओवरऑल जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है मतलब उतना भी बेहतर नहीं है एज कम्पेयर टू JSS, एंड JSS सबसे अच्छा चीज़ ये का जो कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, एंड BIT जो कि बैंगलोर में उनका कैंपस ले काफ़ी छोटा सा है, तो काफ़ी सारे बच्चे लाइक JSS को प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर CSE कटअप देख सकते हो 2.8K, CS BS सिस्टम देख सकते हो 4.2K, आपका ECE जो हो गया 7K हो गया, एंड IT हो गया वो 3.6K हो गया। तो देखा जाए तो अगर आपको कोडिंग लाइन में इंटरेस्टेड है तो ECE आपको मिल सकता है एट 7K।
मतलब मुझको टॉप के फाइव में ही रहना है तो आप एसी प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आपको टॉप फाइव ये सब मतलब नहीं, आपको बस सीएससी आईटी ही चाहिए, देन ऑब्वियसली जो कॉलेज का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ में आता हम लोग का एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर E142। ठीक है, तो ईसी का कट ऑफ 4.5 के, यहाँ पर सीएससी स्पेशलाइज इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। लास्ट ईयर लगभग जितने भी कॉलेज थे कमेंट के में, सारे कॉलेज में सी एस सी स्पेशलाइजेशन इंड्यूस हुआ, लेकिन इस कॉलेज में नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। आई सी का जो कट ऑफ है 5.5 के, तो आई टी अगर आपको मिल रहा है अंडर 6000 तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन में बोलूंगा। देखो 6000 पर हो सकता है आपको सी एस सी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब उसका बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो आप आई सी प्रेफर कर सकते हो, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है नहीं वो, थोड़ा बहुत मतलब मान के चलिए अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो हायर स्टडीज़ के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू आई टी। ठीक है, तो सी एस सी में लाइक बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन जो प्लेसमेंट वाइज अपॉर्चुनिटी वाइज की बात करो तो अपॉर्चुनिटी दोनों को ही एग्जैक्ट 90% ही एक ही दी जाती है। लाइक जो कंपनी सी एस सी के लिए अलाउ करती है वो कंपनी आई सी को भी अलाउ करती है कैंपसिंग का टाइम। देन सिक्स में उनका बी आई टी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो देख सकते हो इनका जो ए आई एन एम एल उसका 3.6 के है। ठीक है, आपका जो सी एस सी 4.2 के है, ई सी जो वो 12 के तक है, तो ई सी आपको मिल सकता है 12 के तक, एंड ई टी 36 के, ओके, एंड जो ट्रिपल ई है यहाँ पर भी ट्रिपल ई है 45 के। तो पहले आप ई सी देन ट्रिपल ई देन आप ई टी देन ई आई ई, ओके, तो ये आपका ऑर्डरिंग सही रहेगा। देन आप देख सकते हो जो आई टी है यानी कि आई एस सी वो 6 के तक है, तो एवरेज पैकेज 6.4 लाख पर एनम इसका है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस से देख सकते हो ए आई एन एम एल तो 4.5 के, जनरली देखा जाता है कि 5 के तक ही मतलब जो सी एस सी है जो सी एस सी स्पेशलाइजेशन में क्लोज हो जाता है टॉप के जो 7 कॉलेजेस है। ठीक है, इसके बाद के लाइक जो कॉलेजेस तो कट ऑफ इंक्रीज होना चालू होता है, तो यहाँ पर जो सी एस डिज़ाइन है यहाँ पर देख सकते हो सी एस डिज़ाइन का कट ऑफ 4.8 के। देखिए ट्राई कीजिएगा कि आप जो सी एस डिज़ाइन है उसको आई टी के बाद ही रखने का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो आई टी का जो कट ऑफ है यानी कि आई सी में बोलना चाहता हूँ 4 के है, तो पहले आप इसको प्रेफर कीजिएगा देन आप सी एस डिजाइन को रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए प्लेसमेंट वाइज अपॉर्चुनिटी वाइज तो आई थिंक आई सी विल बेटर एज कम्पेयर टू सी एस डिजाइन। इसका एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनएम है। ओके, देन एट में आता हम लोग का एस एम बी आई टी। ठीक है, इसका देख सकते हो सी एस ए कट ऑफ 6.5 के है, मतलब इंक्रीज होना चालू हो रहा है, मतलब इसके पहले का जो कॉलेजेस था सी एस सी का जो कट ऑफ था वो कहाँ पर क्लोज हो रहा है, मतलब देख सकते हो 3K में ही क्लोज हो जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सी एस सी 4.2 में के ही मिली क्लोज रहा है, इसके बाद लाइक 6.5 के तक जा रहा है, तो ये एस एम बी आई काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आपका रैंक इसके अराउंड लाइक कर रहा है तो। ओके, सी एस सी 6.5 के पे मिल रहा है, बाकी आप देख सकते हो जो आई एस सी है 7K है, एंड जो हम लोग का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लाइक ई सी 14 के, तो ई सी भी आप ले सकते हो अगर आपको कोडिंग इंटरेस्टेड है एंड आपको टॉप के कॉलेज में ही रहना पसंद है। तो अदरवाइज अगर आपको सपोज आपका रैंक 12000 है 13000 है एंड आपको मतलब सी एस सी ही चाहिए तो काफ़ी आपको नीचे जाना पड़ सकता है, तो कुछ कुछ बच्चे ई सी प्रेफर कर सकते करते हैं ओवर मतलब जो नीचे के कॉलेज उनका जो सी एस सी जो मिल रहा है। ठीक है, नाइन्थ में बी एम एस आई टी। ओके, तो ये बी एम एस का एक और कैंपस है, काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं कि इनका जॉइंट कैंपस होता है क्या, तो देखिए इनका जॉइंट कैंपस बोल के ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक काफ़ी सारे बच्चे बी एम एस साइट को प्रेफर करते हैं कि इनका जॉइंट कैंपस होता है, तो मतलब उतना भी एडवांटेज नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो इनका भी खुद का इंडिविजुअल सब कुछ है, उनका भी इंडिविजुअल सिस्टम है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि उसका ये कैंपस है तो उनमें जो कंपनी आएगा मुझे भी सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब आप लोग एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। सी सी अगर आप देख सकते हो 3.5 के हैं। ओके, ई सी अगर आप देख सकते हो 12 के है, एंड देन आप ए आई एन एम एल को देख सकते हो आपका 5 के है, तो 5 के तक अगर आपको ए आई एन एम एल मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, एंड आई टी 6 के है, तो देखो आप ये ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक आप चाहो तो ये जो एस एम बी आई टी है इसको 9 कर सकते हो एंड इसको 8 कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफ़ी नेग्लिजिबल डिफरेंस है। देन टेंथ में आता हम लोग का एस आई टी तुमकुर सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी तुमकुर E125। ठीक है, तो यहाँ पर ए आई एन डी एस का कटअप 9 के है, सी एस सी कट ऑफ 7 के है। ठीक है, तो 7 के तक आपका रैंक है, मान के लिए आपका रैंक अंडर 8000 है तो सी एस सी मिल जाए कोई ना कोई कॉलेज में जो टॉप 10 के अंदर में आता है, एंड जो आई सी जो कट ऑफ 7.5 की है। ओके, उसके बाद लाइक जो बाकी जो कॉलेजेस है जिनका रैंक उससे भी ज़्यादा है, लाइक ठीक है लाइक 7 के से भी ज़्यादा है, 8000 है, 9000, 10000, तो आपके लिए देख सकते हो जो यहाँ पर सी एस सी का जो कट ऑफ लाइक जो एक्सपेक्टेड है 7 के तक ही है। ठीक है, आपका ए आई एंड एम एल 9 के तक है, ए आई एंड डी एस 10 के तक, तो 10 के में आपको सी एस सी स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। ओके, एंड आई सी देख सकते हो 9 के है, तो 10000 के अंदर ये मतलब जो सी एस सी एंड जो सी एस सी स्पेशलाइजेशन पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देन 12 मतलब के एल ई, अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं क्योंकि काफ़ी काफ़ी मतलब रिमोट एरिया तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी मतलब आउटसाइड ऑफ बैंगलोर लोकेटेड है। ठीक है, मतलब बैंगलोर एक के आई टी सेक्टर का हब है। ठीक है, लेकिन काफ़ी मतलब थोड़ा
दूर में लोकेटेड है, तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं केली को स्किप कर ही देते हैं, ठीक है। तो केली के बाद के जो कॉलेजेस लाइक सीएमआर हो गया, आरएनएस हो गया, उसको प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू केली। लेकिन प्लेसमेंट वाइज मैं ऑर्डरिंग किया हूँ, ठीक है। तो 12th नंबर में जो प्लेसमेंट वाइज ऑर्डरिंग आता है वो केली आता है। ध्यान रखिए हुबली जो लिखा है ना वो लेना है, मतलब केली 2-2-1 है, हुबली 1 है, हुबली है। तो ये जो HUBLI है, HUBLI वो लेना है। इसका कोड नोट कर लीजिए E016 है, तो कन्फ्यूज मत होना इसलिए मैं कोड लिख रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो CSC है 11,000 तक जाता है, ठीक है। तो एसन के लिए 11,000 है, 12,000 तक आपको CSC नहीं मिलेगा, आपको CSC मिल जाएगा, ठीक है। CSC AIN 12K है, आपका EC 18K है। तो 18K में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए KLE, ओके। 13 में BNM, तो BNM का कट देख सकते हो CSC 11K है, AI का है 12K ML, एंड जो EC है उसका कट अप आप देखिए 31K है, ओके। एंड जो IC है 12K है। अल्टीमेटली अगर आप इसी लेते हो तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करना एज कम्पेयर टू CSEIT। आपको अगर CSEIT का कोर्स फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली अगर कंपनी आएगी एंड आप उनका जो राउंड है क्वालिफाई कर पाओगे अगर आप CSEIT का पढ़ाई कर रहे हो। तो अदरवाइज सिर्फ इसी लेके बैठ गए तो आपका जो फील्ड का जो कंपनी है काफ़ी कम ही एक्सपेक्टेशन रखना कि हाँ मुझे भी 10+ LPA का पैकेज मिलेगा, अदरवाइज आप 6-7-5 में ही आप लाइक घूमोगे, ओके। तो ये कहने का मतलब है। बाकी लाइक एवरेज पैकेज 5 LPA मतलब एक कंसिडरिंग ओवरऑल, ठीक है। तो देखो कोई की वेबसाइट में आप देखोगे किसका जो एवरेज पैकेज है वो 9 LPA है। तो 9 LPA इन द सेंस ओनली फॉर CSE एंड IT, नॉट फॉर ऑल ब्रांचेस। तो ये जो है ये ओवरऑल ब्रांचेस में बात कर रहा हूँ, यानी कि सबका कोर एंड नॉन कोर दोनों का ही मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ओवरऑल जो पैकेज है। बाकी कुछ कुछ वेबसाइट में आपको यहाँ पर 9 LPA देखने को मिलेगा, वो मतलब सिर्फ CSE IC को ही बताया जा रहा है, ऐसा समझना आप, ठीक है। बाकी CSE स्पेशलाइजिंग का प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो आप उसका कुछ डेटा एक्सपेक्ट मत कीजिए, कहीं पर भी कोई का डेटा नहीं मिला कीजिए। ये जो ब्रांच है 2021 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। 14 में आता है RNS इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बैंगलोर में जो है उसका देख सकते हो कटअप जो CSE का 6.5K है, AINML का 9.5K, CSE DS का जो है वो 7K है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं 15 में जो कॉलेज है CMR है, CMR इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बैंगलोर का जो कॉलेज है E032, तो इसका कटअप भी देख सकते हो जो CSE है 8K। अब देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि इसका लाइक कटअप जल्दी क्लोज हो जा रहा है एंड से कटअप लाइक पहले क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको लाइक ये डाउट आ रहा होगा कि हाँ इसका कटअप क्यों जल्दी क्लोज हो गया, क्योंकि जब ये 14 का नंबर जो कॉलेजेस है, अब देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सीट्स कम रहेंगे तो ऑब्वियसली कटअप जो जल्दी क्लोज हो जाएगा। अगर इसके इसके जो पहले जो कॉलेजेस थे उसमें नंबर ऑफ सीट का संख्या मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनका, तो ऑब्वियसली मतलब कटअप जो जल्दी क्लोज हो जाता है। ऐसा मत समझना कि कटअप जल्दी क्लोज हो गया तो इसका प्लेसमेंट अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कटअप देख करके अब प्लेसमेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको मतलब काफ़ी सारा लाइक एनालिसिस करना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट में जाकर के रिव्यू देखना पड़ता है, उनका जो एलुमनी नेटवर्क है तभी जाकर के आप लाइक सही तरह से आइडिया लगा पाओगे कि किसमें क्या है, किसमें कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, फैकल्टी कैसा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब सिर्फ एवरेज पैकेज ही मत देखिएगा, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखिएगा कि लाइक कितने सारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं। अगर मान लीजिए टोटल 5 बच्चे हैं तो 5 में से कितने सारे बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं, अदरवाइज मान लीजिए 500 में बस 300 ही बच्चा प्लेस हुआ तो उनका एवरेज पैकेज आपको दिखा के शो कर दिया गया। एंड मान लीजिए कोई और कॉलेज में 500 में 400 बच्चे प्लेस हुए तो उनका एवरेज पैकेज दिखा के शो कर दिया गया। ऑब्वियसली जो 500 में जो 400 बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू 500 में जो 300 बच्चा सिलेक्ट हुआ है। तो ये भी दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये लाइक काफ़ी आप अगर एनालिसिस कीजिएगा गूगल में जाकर आप सब कुछ डेटा मिल ही जाएगा। बाकी अगर ये आप लाइक ऑर्डर फॉलो कर सकते हो प्लेसमेंट वाइज में लिख रखा हो। 16 में आता है NAM, ठीक है। तो देख सकते हो जो कोड है E087 है, जो कटअप आप देख लीजिए EC का जो कटअप है 15K है, तो 15K रैंक है। तो लाइक काफ़ी सारे बच्चे 15K में EC ले ले बैठते हैं। तो देखो आपको सच में CSE में ही इंटरेस्ट है कुछ ज़्यादा ही, मतलब आपको CSE के अलावा कोई ब्रांच दिखता ही नहीं है, तो आप लीजिएगा, ठीक है। इसमें ले सकते हो, इसे कटअप 15,000 तक जाता है, तो 15,000 रैंक है तो आपको CSE यहाँ पर तो मिल ही जाएगा, कन्फर्म है मिल जाएगा। राउंड 3 तक वेट करते हैं, तो अदरवाइज राउंड 2 एंड राउंड 1 में कटअप हो सकता है इसका 13,000 या 14,000 पर ही क्लोज हो जाएगा, लेकिन राउंड 3 तक वेट कीजिएगा तो आपको 15,000 पर मिल जाएगा। 17 में आता है आचार्य इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बैंगलोर का, इसका लास्ट ईयर कैंपस यानी कि 20 लास्ट ईयर मतलब 2022 का बात करिए, यानी 2020-2021 के जो 65 बैच थे एंड 22 के, उनका दोनों का ही कैंपस काफ़ी अच्छा है। ऑन कैंपस की बात करते हैं, ऑन ऑफ कैंपस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये लाइक ग्रोथ फेज़ में, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। CSE का जो कटअप है वो 13.5K है एंड बाकी ब्रांचेस आप देख सकते हो। देखिए बाकी जब ब्रांचेस में मेंशन करके नहीं रखा कटअप, क्योंकि मुझे पता है जो कोर ब्रांच है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो लेने कोई मतलब बनता है ही नहीं, जो कोर ब्रांच है जो 11 के बाद में आता है। तो 11 के बाद जितने भी कॉलेजेस हैं किसी का भी मैं कोर ब्रांच का कटअप में मेंशन करके नहीं रखा हो, इसका लेने कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कोर ब्रांच लें तो आप ट्राई कीजिए जो टॉप की जो 10 है वहाँ पर मिल लो, अदरवाइज मैं स्किप कर दूँ।
कुछ सेंस नहीं बनता है जो कोर ब्रांच है वहाँ पर लेने का। अदरवाइज आप एक साल ड्रॉप कीजिए या जो बाकी जो एग्जाम्स जो आप दिए उसमें ट्राई कीजिए। तो योग आचार्य का दिन आता है हम लोग का JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैंगलोर E060 आता है, तो इसका कटअप देख सकते हो। CSC का कटअप 15K है एंड हम लोग का जो ISC इसका कटअप 18K है। एवरेज पैकेज देख सकते हो 4.5 लाख पर एनम है। ओवरऑल का बात किया जाए तो ये बस CSE RT की बात ही नहीं करो, ओवरऑल का बात करो। सोचता है जो CSE RT का अगर पैकेज देखो तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 6 LPA या 6.5 LPA है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में जो आता है E042, तो यहाँ पर देख सकते हो CSE जो कटअप है 14.5K है एंड जो ECE है 25K है एंड जो ICE है 16K है। तो यहाँ तक आपका रैंक लाइक 16,000 तक है, 17,000 तक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझे CSE ICSE मिल जाए कोई अच्छा कोई कॉलेज में। तो टॉप 20 कॉलेज का लिस्ट है, 20 में लिख नहीं रखा हो, ठीक है, टॉप 19 में लिख रखा हो। तो यहाँ पर प्लेसमेंट इसके बाद जो कॉलेज लगभग एक ही है, ठीक है, ज़्यादा मतलब डिफरेंस मत समझना। 4.5 LPA ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जो पैकेज जो देख रहा हूँ 4.5 LPA, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए गवर्नमेंट के में अंडर में कॉलेज काफ़ी सारा है, तो ऑब्वियसली आप उसका जो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको टॉप 20 के अंदर ही होना चाहिए। ट्राई कीजिए टॉप 20 के जो बाहर उसको स्किप करने का, बेटर है आप एक साल ड्रॉप ले लीजिए। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं ट्राई करूंगा सबका रिप्लाई देने का। एंड लाइक जो बच्चे नीड में कि हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जो भी रैंक है कमेंट के में एंड आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, हम लोग कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, लाइक काउंसलिंग से लेकर के आपका एडमिशन तक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू जूम मीटिंग एंड फोन कॉल सपोर्ट। तो इस लिंक पर आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे क्या करना है। बाकी कमेंट के ऊपर कोई और वीडियो बनाना चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा।